नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निश्चित निशन देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के द्वारा आज रविवार का पहला कोरोना संक्रमण अपडेट सामने आया, जिसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई और कई नए जिले हैं जहां पर संक्रमण एक बार बहुत तेजी से जो है वो कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जो स्वास्थ्य विभाग ने आज पहला अपडेट जारी किया, उसके मुताबिक कुल 629 अब नए संक्रमित मरीज बिहार में हो गए हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में संक्रमित मरीज जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा मामले बिहार के सहरसा से है, जहाँ पर अलग अलग इलाकों में जो हैं वो कुल 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जबकि बिहार के मधेपुरा की बात करें तो वहाँ पर भी कई लोग संक्रमित पाए गए। बेगूसराय, अररिया और दरभंगा में भी संक्रमण के मामले मिले हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य विभाग के उन आंकड़ों के हिसाब से कि कहाँ और कितने लोग संक्रमित मिले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सहरसा की, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सभी पुरुष हैं और इनकी उम्र 13 साल से लेकर के 25 साल के बीच में है। यानी कि पहला युवक जो संक्रमित है वो 14 साल का है, फिर 18, 19, 13, 18, 25, 20, 18 साल की जो युवक हैं वो संक्रमित हुए हैं। वहीं बात करते हैं बिहार के मधेपुरा की, तो वहाँ पर कुल जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या भी है 7, और ये 7 लोग जो हैं पुरानी जगह है मधेपुरा में, वहाँ के लोग हैं। और इन लोगों में भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो पुरुष हैं। इनकी उम्र की अगर बात कर लें तो इनकी उम्र जो है वो 13 साल से लेकर के 20 साल के बीच में है। जबकि बेगूसराय में 53 साल के एक शख्स में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं बात करें बिहार के अररिया की, वहाँ पर 30 साल के एक युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दरभंगा में 2 लोग जो हैं उनके अंदर संक्रमण की पुष्टि हुई और दोनों पुरुष हैं और उम्र इनकी 30 और 45 साल है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सभी लोग हैं वो सभी लोग, इन लोगों के बारे में जो जानकारी आ रही है वो ये है कि ये सभी लोगों के रिज़ल्ट जो हैं बहुत देर रात कल जो है वो आए, जिसके बाद ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है। आपको बताएं कि उसके ठीक पहले यानी कि जो शनिवार की रात थी उस दिन की अगर बात करें तो एक साथ जो है 16 संक्रमित मामले सामने आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मामला बिहार के बेगूसराय से। तो यानी कि बेगूसराय जो है वो एक बार फिर से तेज़ी से सबसे बड़ा जो सेंटर है वो बनता जा रहा है। तो दूसरी तरफ मधेपुरा और सहरसा में भी संक्रमण की चेन तेज़ी से फैल रही है। जानकारी के मुताबिक 100 के करीब में ऐसे लोग हैं जो कि प्रवासी बिहारी थे और इन लोगों के अंदर संक्रमण जो है उसकी पुष्टि हुई, और संक्रमण मिलने के बाद से लगातार इनके अंदर जो लक्षण थे उसके बाद इन तमाम लोगों की जांच की गई, और जांच किए जाने के बाद इन सभी लोगों को जो है वो उनके सैंपल्स लिए गए, और सैंपल्स ले जाने के बाद अब इनके अंदर जो है वो लक्षण साफ तौर पर दिख गए हैं, यानी कि सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो बिहार में जो कुल संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें पूरे बिहार की तो कुल जो आंकड़ा है राज्य का वो बढ़कर के 629 पर पहुंच गया है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए निश्चित निशन। नमस्कार।